हेलो गाइस, मैं हूं देव और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड इन्फेक्शन के बारे में। ब्लड इन्फेक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखे हैं, उसमें मैंने बताया कि ब्लड इन्फेक्शन क्या होता है, इसके उपचार क्या होते हैं। और मेरा उन वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि आप लोगों में अवेयरनेस बढ़े, ये नहीं था कि आप लोग उससे डरो। आप लोगों की जागरूकता के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है इन्फेक्शन और क्या लक्षण होते हैं, क्या उपचार होते हैं, उनको मैंने डिटेल से समझाया था। हर एक बीमारी का इलाज होता है, वैसे ही ब्लड इन्फेक्शन का भी इलाज है। उसके लिए हमें ठीक तरीके से टाइम पर या फिर डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ब्लड इन्फेक्शन होता है उसके जो लक्षण दिखते हैं वो सामान्य लक्षण क्या होते हैं। ब्लड इन्फेक्शन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसका प्रॉपर तरीके से इलाज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जो हमारी बॉडी में दिखते हैं। ब्लड इन्फेक्शन के लक्षण हमारी बॉडी में पहले से ही दिखने लगते हैं। जितनी जल्दी हम इनके लक्षणों को समझ पाते हैं उतनी ही जल्दी इनका इलाज करने में हमें मदद मिलती है। इसमें पहला जो हमें लक्षण दिखाई देगा वो है त्वचा की समस्या। अगर सेप्सिस बहुत अधिक बढ़ जाता है तो त्वचा का रंग बदलने लगता है। अगर सेप्सिस कम मात्रा में होता है तो स्किन पर लाल रंग के चत्ते से बन जाते हैं तथा चकत्तों पर दाने दाने से होने लगते हैं। इसके साथ साथ खुजली भी होने लगती है और ये ज्यादातर चकते हाथ और पैरों पर ही बनते हैं। सेकंड नंबर पर है दिल की धड़कन। हमारी हार्ट बीट इस स्थिति में तेज हो जाती है और फिर कम हो जाती है। ये इसलिए होता है कि हमारी ब्लड ऑक्सीजन को पूरे तरीके से ब्लड वो शरीर में नहीं पहुंचा पाता है। अगर आपके साथ ऐसा लगातार कई दिनों से हो रहा है तो आप एक बार जरूर डॉक्टर से सलाह ले लें। थर्ड है यूरिन में समस्या, यानी कि इस स्थिति में यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है, इस स्थिति में मूत्र या फिर यूरिन कम मात्रा में बनता है। ये इसलिए होता है कि हमारा इस स्थिति में लीवर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। इनके अलावा चिड़चिड़ाहट भी ब्लड इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन की स्थिति में हमारी बॉडी अनेक प्रकार के केमिकल्स रिलीज करती है जिससे हमारे शरीर पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें मानसिक तनाव तथा ठीक तरीके से ध्यान न लगा पाना आम है। अगला है चक्कर आना। हमें चक्कर तब आते हैं जब हमारे दिमाग में ठीक तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इस स्थिति में इनसोम्निया यानी कि नींद न आने की बीमारी भी नॉर्मल है। इन लक्षणों के अलावा शरीर में उल्टी और घबराहट, नील पड़ना तथा बुखार आना ये आम है। मेरा इन लक्षणों को बताने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, ना कि डराना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।